नमस्कार नागपुर, मेरा नाम है श्रेयस, आप देख रहे हैं वीकेबी न्यूज़। जिस घड़ी का हम सबको इंतज़ार था, आखिर वो घड़ी आ चुकी है। महाराष्ट्र में सीएम का चेहरा किसका होगा, कौन अपनी सत्ता संभालेगा इस बार, एकनाथ शिंदे, अजित पवार या सीएम देवेंद्र फडणवीस, जो कि पहले सीएम थे, बन चुके थे, अभी कौन संभालेगा उसकी सत्ता। हम वही जानने के लिए आए हैं यहाँ के लोगों से कि उनकी राय किस तरफ है, वो किसको अपने सीएम के रूप में चेहरा देखना चाहते हैं। बीजेपी के पास 132 सीटें हैं, शिंदे गुट के पास 57 सीटें हैं और अजित पवार गुट के पास 41 सीटें हैं। बीजेपी का मानना है सबसे ज़्यादा सीटें जिसके पास, वही पार्टी का, वही सीएम बनना चाहिए। तो यह सियासी खेल इस समय जारी है और शिंदे, एकनाथ शिंदे ने आज सुबह राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी दे चुके हैं। तो अभी देखते हैं कौन अपनी महाराष्ट्र का सीएम की शपथ लेगा। 29 तारीख तक माना ये भी जा रहा है कि 28 से 29 तारीख तक सीएम पद की शपथ ले सकते हैं जो कोई बनेगा। चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से, क्या आपको लगता है इस बार कौन सीएम पद, आप सीएम का चेहरा आपको इसको देखना चाहते हो? सीएम का चेहरा तो मुझे लगता है कि जो एकनाथ शिंदे थे वही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया है लाड़की बहन योजना देकर, और लोगों को भी चॉइस था उनका, इन्हें अच्छा है मुख्यमंत्री, इसलिए वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो सकता है। पर पार्टी का कहना है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा विधायक है, जो विधायक सबसे ज़्यादा है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा विधायक है, हमारे पास सबसे ज़्यादा सीट है, तो हमारा ही नेता सीएम बनना चाहिए। तो क्या है कि वो अभी उनका डिसीजन है, अभी क्या पार्टी का डिसीजन है कि वो क्या कर सकते हैं, हम कुछ उसके बारे में बोल नहीं सकते। और अभी रिसेंटली नया ये हुआ कि 2 साल शिंदे बनेंगे, 2 साल फडणवीस और 1 साल अजित पवार, उसके ऊपर क्या? ये तो अच्छी स्कीम है ना, सभी को मौका मिलेगा। हाँ, 2 साल का उनको भी, इन्हें एकनाथ शिंदे को तो अनुभव है ही, और देवेंद्र फडणवीस को भी अनुभव है, तो थोड़ा अनुभव इनको भी आया जाएगा, अजित पवार को तो 2-2 साल का उनको हुआ और 1 साल उनको, ये अच्छा फार्मूला है। वो तो क्या लगता है आपको कौन बनना चाहिए सीएम? सर, देवेंद्र फडणवीस ही बनना चाहिए। नागपुर का डेवलपमेंट के लिए देवेंद्र फडणवीस बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी फिलहाल जो डेवलपमेंट का काम चालू है उसके हिसाब से अगर नागपुर का मुख्यमंत्री रहेगा तो डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये जो लाड़की बहन योजना थी, क्या आपको लगता है कि ये मेन फैक्टर बन गया इस बार इलेक्शन में? बिल्कुल, लाड़की बहन योजना का जो फैक्टर था वही बहुत जोर से चला है और उसका बेनिफिट बीजेपी गवर्नमेंट को मिला। इसके साथ साथ एक और नारा आया था, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एक है तो सेफ है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये हिंदू एक है तो सेफ है, ये ठीक है, लेकिन कटेंगे तो बटेंगे, ऐसा है बटेंगे तो कटेंगे, ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम चलता नहीं है। ये सब क्या, हम भारतीय है, ये एक विधान करके चलना चाहिए। आपको क्या लगता है इसका? मुझे भी ये लगता है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलके यहाँ पे रहते हैं, उसके वजह से ये नारा तो कोई इफेक्ट नहीं है, वो लाड़की बहन योजना का ही जो नारा था, जो ये था वही फैक्टर बीजेपी को फायदेमंद हुआ। अच्छा, तो 2 साल सीएम पहले, अभी ऐसे माना जा रहा है कि 2 साल एकनाथ शिंदे रहेंगे, 2 साल फडणवीस जी रहेंगे और 1 साल रहेंगे अजित पवार, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या ये जो 3 तिगड़ा है, क्या ये कैसे लगता, इसको आप कैसे देखते हो? नहीं, 2.5 साल का अगर देते हैं तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि 2 साल ये रहेगा, 2 साल वो रहेगा और 1 साल, तो इसमें कैसे होगा कि जो महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट है उसमें कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएंगी, वो डेवलपमेंट के हिसाब से ठीक नहीं होगा, 2.5 साल का देना चाहिए, ये मेरा मत है। ये तो लगता है अपन ने देवेंद्र फडणवीस को 40,000 मतों से जब चुन के दिए हैं तो नागपुर के लोग तो यही बोलेंगे कि देवेंद्र फडणवीस बनना चाहिए। आपको क्या लगता है, फडणवीस चाहिए सीएम आपको? फडणवीस चाहिए, पर पहले बार इस बार ऐसा लग रहा है कि शिंदे बन सकते हैं, पहले दो साल शिंदे, उसके बाद फडणवीस और 1 साल उसके बाद अजित पवार। हमने तो उनको इस कारण से ये दिया है, वोट दिया है कि देवेंद्र फडणवीस बनना चाहिए, इसलिए उनको इतने मतों से हमने जीता के दिया है, तो हमें लगता है कि देवेंद्र फडणवीस बनना चाहिए। तो आपने देखा कि लोगों का मानना भी यही है कि फडणवीस सीएम बनने चाहिए और बन सकते हैं। क्या लगता है काका, कौन बनेगा इस बार सीएम है ना? देवाजी। हाँ, देवाजी। तो क्या लगता है, मतलब अभी सुबह में राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया एकनाथ शिंदे जी ने, तो उसके बाद से ऐसे चल रहा है माहौल कि 2 साल शिंदे, 2 साल फडणवीस, 1 साल अजीत। क्या लगता है आपको? नहीं तो 5 साल भी देवा को देने को ना, 5 साल देवा को देने को आधा आधा, एक अधूरा है का नहीं?
जो पार्टी जो ये दावा कर रही है कि सबसे ज्यादा बहुमत जिसके पास है तो वही बनेगा, वो सीएम बनना चाहिए। बट अभी तीनों पार्टी का युति है तो उसके बाद तीनों को एक एक चांस मिलना चाहिए। नहीं नहीं ऐसी कोई पूरा बहुमत है ना देवा को? नहीं बहुमत तो नहीं है, बहुमत से अगर होता तो 145 सीटों से अपनी सरकार बना लेते, बस वो रह गए 8-10 सीटों से। कैसे 10-12 सीटों से रह गए वो पीछे में रह गए ना, लेकिन वो क्या 10-12 सीटों ऐसी मिल जाती उनको, मिल जाती को नहीं अदर वाले। हाँ तो वो देवा को बनाना चाहिए ना। तो आपको क्या लगता है लाड़के बहन योजना इस बार सक्सेसफुल हो गई इसके लिए? हाँ लाड़के बहन हो गई ना, लाड़के बहन ने तो दिया उनको वोट, लाड़के बहन ने दिया क्योंकि आए वो। अच्छा आएगा नहीं? क्या लगता है आपको कौन आएगा, कौन बनना चाहिए सीएम इस बार? सीएम तो देवेंद्र बाबू बनना चाहिए। देवेंद्र बाबू क्यों, आपको क्या लगता है? डेवलपमेंट वो तो कर रहे हैं नागपुर में, अच्छा कार्यक्रम है उनका। अच्छा हाँ, अभी सिर्फ उन्होंने बेरोजगारों के बारे में करना चाहिए कुछ भी, या हमारे ऑटो रिक्शा वालों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि क्या है हमारे ऊपर अभी इंश्योरेंस का प्रीमियम बहुत बढ़ा दिए इन लोगों ने, जीएसटी हर चीज़ में लगा रहे हैं, एक एक ट्रिप मार रहे हम लोग तो जीएसटी लगा रहे। अच्छा। तो वो जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट ओला उबेर रैपिडो को मिल रहा है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो जीएसटी का पैसा हर ऑटो वाले को मिलना चाहिए जी, क्योंकि वसूल करके हम दे रहे हैं ओला उबेर रैपिडो को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको पैसे दे रही है जीएसटी के, तो वो जीएसटी के पैसे हर ऑटो वाले को मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनकी 135 सीट आई है बीजेपी की, 132 सीट है, तो 10-12 सीट के लिए कि उनको कोई तकलीफ नहीं है, पाँच साल गवर्नमेंट बना सकते हैं, चला सकते हैं। सिंधे अभी जो युति है, युति में तीनों का है ना, तो तीनों को चांस बराबर का मिलना चाहिए ऐसा वो लोग कह रहे हैं। पूरी जो शिंदे गुट है, बीजेपी और अजित पवार गुट है, तीनों एक अपना अपना दावा कर रहे हैं। उनका 55 सीट था तो हमने पिछले बार में उनको दिया, 2.5 साल चला है उन्होंने सरकार। हाँ। यहाँ पे उस वक्त 109 सीट थी। हाँ। तो उन्होंने बीजेपी ने बड़ा दिल करके उनको सीएम बनाया, जो भी प्रोग्राम था बीजेपी का प्रोग्राम फॉलो किया उन्होंने। लोग कह रहे हैं कि इस बार शिंदे साहब ने जो भी प्रोग्राम था बीजेपी का प्रोग्राम फॉलो किया। हाँ। उन्होंने कोई अपने पार्टी का प्रोग्राम फॉलो नहीं किया। लाडली बहन योजना वो एमपी से आई, आसाम से आई, यहाँ फॉलो किया उनके बीजेपी के बदौलत वो गवर्नमेंट बनी है, तो उनको 5 साल उनको देना चाहिए अब बड़े दिल करके, ऐसा हमारा कहना है। लोग तो कह रहे हैं कि शिंदे का काम सबसे बेस्ट था, मतलब अभी हम कहा नहीं बोल रहे, 2.5 साल में शिंदे को मिला। हाँ। वो उन्होंने जो चेंजेस किए, उन्होंने जो प्रोग्राम फॉलो किया वो बीजेपी का पूरा प्रोग्राम था जी। वो कोई उनका स्पेशली उनके पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, इसीलिए बीजेपी को 5 साल के लिए उनको सीएम बनाना चाहिए, कोई भी पार्टी का बने ऐसी हम नहीं बोलते, लेकिन उन्होंने देवेंद्र भाई बनना चाहिए, देवेंद्र भाई बनना चाहिए, देवेंद्र भाई बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए सीएम? देवेंद्र भाई बनना चाहिए, और कौन बनना चाहिए सीएम पद? अभी उन्होंने जो कारोबार संभाला है शिंदे साहब ने, तो अकेले नहीं संभाला, दोनों ने मिलकर ही संभाला है। तो फिर सीएम था पहले भी, लेकिन वो उसको आगे करके चलाया उन्होंने। हाँ, हाँ, ऐसी है वो। हाँ, हाँ, एकनाथ को आगे चल सामने करके चलाया उन्होंने, नहीं तो वही इससे आपसे वही सीएम थे वो। ये सीएम तो देवेंद्र बड़ी बोले, ये बात तो सबको ही मालूम है ना, पूरे महाराष्ट्र में सबको मालूम है जो सवाल आप पूछ रहे है कि नहीं। तो आपको क्या लगता है ये लाड़के बहन योजना एक बहुत सक्सेसफुल फैक्टर बन गई इस बार इलेक्शन जीतने के लिए? हाँ बहुत सक्सेस बन गई। और ये जो अभी जो नया नारा निकला था बटेंगे तो कटेंगे एक ही तो सेफ है, उसके ऊपर क्या लगता है? इस विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। क्या हिंदू सच में बटे हैं? राजनीति थोड़े हम तो मजदूर लोग हैं क्या? नहीं नहीं, क्या हिंदू सच में बटे हैं और क्या नहीं, कटेंगे? अभी तो एक हो गए लाडली बहन, एक तो सब एक हो गए, हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए। अच्छा। मुसलमानों की भी वोट बीजेपी को मिले हुए हैं। वो जो लाड़की बहन का योजना का स्कीम का लाभ था वो सभी ने लिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने लिया। तो क्या हिंदू सही में बटे थे अभी? नहीं नहीं बटे नहीं थे, इसीलिए तो सरकार में आ रहे, इसीलिए सरकार में आ रहे, मेजोरिटी में आ रहे वो तो पूरे तीनों मिलके। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। ठीक है तो चलिए और जाते हैं यहाँ से लोगों से, यहाँ पे लोग चाय पे गप्पा मार रहे हैं, कहना यही है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा युति है उनकी ही सरकार बैठनी चाहिए। भैया क्या लगता है आपको इस बार कौन सीएम बनेगा महाराष्ट्र का? फडन बनना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस बनेगा। क्यों शिंदे क्यों नहीं? शिंदे ने बहुत अच्छा काम किया। शिंदे को बनाना तो चाहिए, लेकिन फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में इस बार इलेक्शन लड़ा तो गया था, इसलिए उसी को बनाएंगे। शिंदे
कार्यकाल तो खत्म हो गया ना शिंदे का, शिंदे तो बना था मुख्यमंत्री। मेरे ख्याल से अगर शिंदे नहीं भी बना तो अजीत पवार बनना चाहिए। नहीं, एक्चुअली आज सुबह ही ये हुआ, न्यूज़ आई कि 2 साल शिंदे, 2 साल फडणवीस और 1 साल अजीत पवार, ये तीनों को चांस मिलना चाहिए एक एक बार। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसा लोग नहीं क्या कन्फ्यूज है मुख्यमंत्री कौन है क्या है, लोगों को पता ही नहीं। कभी फडणवीस रहता, कभी शिंदे रहता, कभी अजीत पवार रहता, तो काम कौन कर रहा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अपन चुन के बीजेपी को देते और वो लोग कोई कांग्रेस में चले, कोई राष्ट्रवादी में चला जाता, कोई शिवसेना में चला जाता, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। तो ठीक है, इन लोगों ने टुकड़े कर दिए बीजेपी वालों ने, शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, उद्धव को अलग कर दिया, शिंदे को अलग कर दिया, शिंदे को अपने पार्टी में ले लिया, बरोबर है ना। इन्होंने टुकड़े किए और क्या कर रहा कि शिंदे सर जो है अपने मुख्यमंत्री फिलहाल, ये अभी उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले समय में वो लोग भी पछताएंगे कि ये गलत हुआ है। हालांकि ओरिजिनल पार्टी शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की, जो बालासाहेब, ये लोग जो दावा करते हैं कि असली शिवसेना हमारी है, शिंदे गुट की है, वो तो आमदार खासदार उन्होंने खरीद के वो पार्टी को समर्थन दे दिया, तो उनकी पार्टी थोड़ी ना हुई ना, ये तो बालासाहेब ठाकरे ने निर्माण किया था पार्टी, उसके बाद उसकी कमान उद्धव ठाकरे को मिली ना, बरोबर। इन्होंने तो अपने स्वार्थ के लिए वो शिवसेना को तोड़ा, राष्ट्रवादी को तोड़ा, अजीत पवार को अपनी तरफ कर लिया। शरद पवार जो इतने सालों से है, इतना अनुभव, इस बार शरद पवार भी ढेर हो गए चुनाव में। जो शरद पवार को महाराष्ट्र की रानी का चाणक्य कहा जाता था, वो भी इस बार कुछ नहीं रहे। वो सर कैसा है, ढेर कोई नहीं हुआ है, सारे लोगों ने बीजेपी के अपोजिशन ही वोट किया है, सारा घोल ईवीएम का है, जो भी बीजेपी के गठबंधन के खिलाफ खड़ा हुआ है वो गिरा है। तो आपको लगता है ईवीएम हैक हुआ था? हैक हुआ था, हो रहा है, आप वीडियो देखते नहीं क्या सर? बट कैसे हुआ, मतलब मुझे बताइए, झारखंड में इलेक्शन हुआ, वहाँ भी तो, वहाँ तो जेएमएम पार्टी आई, वहाँ बीजेपी को सिर्फ 29-30 सीटें मिली। देखो सर, आप ऐसा बोले कि 100 सीटें या 100 में से 10 सीटें अगर अपोजिशन जीतता है और 90 बीजेपी जीतती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हैक नहीं हुआ होगा, बरोबर। कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना दिखाने के लिए, बोलने के लिए, जैसा आप बोल रहे वहाँ क्यों नहीं हो, तो बोलने के लिए तो दिखाना ही पड़ेगा ना। बट आपको क्या लगता है कि मतलब ये लाड़की बहन योजना जो थी, क्या उसके कारण बीजेपी को एक मिल सकता है, आपको क्या लगता है जो प्रॉफिट लाड़की बहन लोग कह रहे मिला भी है इस बार? देखो, लाड़की बहन योजना के वजह से लोगों को वोट तो मिला है जरूर है, लेकिन लोग नाराज भी थे ना। ठीक है, इधर से 1500 तो दे रहे, लेकिन 2000 का तेल का पीपा हो गया, 350 का सिलेंडर मिलता था अभी 2014 के पहले या 2014 तक, उसके बाद 1200 का हो गया अभी। तो एक तरफ से आप 1500 तो दे रहे, लेकिन 3000 ले भी रहे ना, बरोबर। अब कैसा हुआ कि सडनली लोकसभा में ये लोग हार गए। ठीक है, उसके लोकसभा में हारने के बाद इन लोगों ने सडनली विधानसभा के पहले 2 महीने पहले अनाउंसमेंट कर दिया, लाडली बहना पैसे बांट दिया। तो ये क्या हो रहा कि लोगों जो मिल रहा है वो दिख रहा है फिलहाल, अभी तो पता चलेगा ना। फिर भी लोगों ने वोट करा ना, अगर लोग अगर ऐसा रहते कि लाडली बहन योजना सरकार का एक ये एजेंडा था, बट लोग उनको चुनके देते नहीं ना, फिर भी लोगों ने चुनके दिया, इसका मतलब लोगों का गवर्नमेंट में भरोसा था शायद, लोगों के हिसाब से। 4.5 साल तक बीजेपी सरकार ने लूट लिया, लोकसभा में ये लोग हार गए, महाराष्ट्र विदर्भ में सारी सीटें हार गए थे, बरोबर। लोगों ने नकार दिया था ना 5-6 महीने पहले की बात है। उसके बाद विधानसभा इलेक्शन हो गया, 2-3 महीने पहले इन्होंने लाडली बहन योजना निकली, लोगों ने पैसा बांट दिया, घर में जा जाके गली गली में रात के 12-12 बजे तो इन लोगों ने पेटियाँ बांटी, जिनको जरूरत नहीं थी उन्होंने भी कार में भर भर के लेके गए। ठीक है, तो ये कैसा एक तरह से लोगों को एकदम से सब कुछ मिलने की वजह से लोगों को वोट मिला भी है, भाइयों लोगों का जो लेडीज़ लोग हैं मिला भी है, लेकिन एक जनता नाराज भी है ना सर, 1500 दे रहे और 2000-3000 आप इधर से ले रहे, इधर से दे रहे, गलत है। 2100 हो गए, अभी 2100 हो गए, ये तो अभी पता चलेंगे ना। 2100 करे तो इधर से भी, इधर पर महंगाई भी तो बढ़ रही ना अभी, सिलेंडर के रेट बढ़ गई अभी 19 जो किलो का सिलेंडर 990 का अभी, 1000 के अंदर आ गया, 50 रुपये सर बढ़ गया, आप देख लेना न्यूज़ पे, कल परसों न्यूज़ आई है, 990 के अंदर आ गया। तो धीरे धीरे लाइट बिल डबल हो गया सर, तो ये इसको विकास नहीं बोलते ना आप, कैसा सडनली 2 महीने की कोई योजना ला रहे हो उसमें आप दे रहे हो और लोगों को दिखा रहे लाडली बहन योजना। आपने 2014 में लाडली बहन योजना लाने की घोषणा की थी क्या? नहीं की थी ना, काला धन लाने की घोषणा की थी, बरोबर, आया गया। 2 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की थी, आया क्या? नहीं आया। भ्रष्टाचार है, महंगाई है, सारी चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। तो आपको लगता है मतलब ये जो नारा हुआ था इस बार, बटेंगे तो कटेंगे के तो सेफ है, बटेंगे तो इसके ऊपर सर कैसा होता है, इलेक्शन के पहले ऐसे नारे मिलते हैं, योगी ने उत्तर प्रदेश में नारा दे दिया, नारा निकला था उसको न्यूज़ मीडिया वालों ने सारे इंडिया में फैला दिया, महाराष्ट्र में फैला दिया। ठीक है,
एक सडनली क्या होता है, इलेक्शन के पहले एक भावनात्मक एक नारे दिए जाते हैं और उसके वजह से लोगों को वोटिंग भी मिलती है, तो ऐसा हुआ है। वो बटेंगे तो कटेंगे वाला क्या, किसको बटे? क्या लगता था कि इसके पहले मतलब 2014 से पहले क्या हिंदू सच में बटे थे, और जब से मोदी आए तब से क्या हिंदू यूनाइट हो गए, इसके बाद ये नारे के बाद और हिंदू की जागृति आ गई हिंदुओं में, क्या लगता है? ना कोई बटा है ना कोई कटा है, सब एक है। ये अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे देखे। बटेंगे तो मतलब किसको बांटना है? बटे तो पहले ही ना आप लोगों ने जाति धर्म में बांट के रखा है, वो आपको दिख नहीं रहा क्या? मतलब आप अपनी जाति में बांट के आप अपने हिंदू धर्म की जो बाटियों में जाति में बटे हुए लोग हैं उनको एक कर रहे और मुसलमान को काटेंगे बोल रहे, वही हो गया ना आप। हम मतलब एक हो जाओ, हिंदू और मुसलमान को काटो। अभी इलेक्शन हो गया 23 तारीख को, 24 तारीख को यूपी में दंगे हो गए, मुसलमानों को गोलियां मारी गई, तो ये गलत है ना, ये सब गलत, ये नहीं होना चाहिए। देखिए तो लोगों के हिसाब से सीएम फडणवीस ही बनने चाहिए। तो चलिए जानते हैं, हमारे साथ और यहाँ पे लोग मौजूद है। काका क्या लगता है इस बार सीएम कौन बनेगा? आप किसको सीएम ग्रुप चेहरा देखना चाहते हो इस बार? अरे मैं क्या बताऊँ, आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए सीएम? आपको फडणवीस ही बनेगा, और कौन बनेगा? नहीं, अभी जो आज सुबह की जो लेटेस्ट न्यूज़ आई उसमें 2 साल के लिए शिंदे, 2 साल फडणवीस और 1 साल अजित पवार। हाँ तो ठीक है ना, चलेगा ऐसा? चलेगा ऐसा, चलेगा ना, तो फडणवीस ही बनेगा, फडणवीस बनने चाहिए। क्या लगता है आपको? मेरे को तो लगता मोदी वो अजित पवार को भी बना देगा। नहीं नहीं, पार्टियों का कहना ये है कि जिसके पास ज़्यादा बहुमत है, बीजेपी के पास 132 है, तो सीएम हमारा बनना चाहिए। लेकिन वो अभी लड़ रहे हैं ना मुख्यमंत्री को, लड़ रहे आपस में, लड़ रहे हैं आपस में, लड़ रहे हैं। अगर अजीत पवार इधर चले भी गए तो भी जो कांग्रेस के पास उतनी सीटें नहीं है कि लोग अपनी पार्टी बना सकेंगे, वो विपक्ष में पद भी नहीं मिल सकता, पद भी नहीं मिल सकता। वो मोदी गेम खेलेंगे, अजित पवार को भी बना सकता है, पवार को बना सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, फडणवीस बनेगा, फडणवीस बनेगा, क्योंकि मैं बीजेपी वाला हूँ। काका बीजेपी वाले हैं, क्या लगता है आपको कौन बनेगा? मुझे भी ऐसा लगता है देवेंद्र फडणवीस ने बनना चाहिए, बनने चाहिए, बनना चाहिए, बनने चाहिए। क्यों लगता है आपको, क्या लगता है ऐसे क्यों लगता है? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, महंगाई का सवाल नहीं है, आगे आने वाले भविष्य के लिए वो। अच्छा, ये जो लाड़की बहन योजना थी इसको लेकर के महाराष्ट्र में इस बार बहुत सियासत हुई है, अपक्ष वालों ने बहुत बताया कि ये सिर्फ पार्टी का एजेंडा था वगैरह वगैरह, बट फिर भी उसके बाद बीजेपी की सत्ता बैठ रही है इस बार, तो आप इसको कैसे देखते हो? नहीं ऐसा नहीं है, अभी एमपी में भी क्या है लाडली बहना योजना वगैरह चली है, तो ये किसी के भले के लिए किया जा रहा है। अब कोई करता है काम तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, और कोई नहीं करता तो भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। ये जनता का एक ये है धोरण, काम करेंगे तो भी गलत है और ना किया तो भी गलत है, ये लोगों की मानसिकता है। तो फिर अब वो कर रहे हैं, कुछ तो करने दो ना, अच्छा है ना। लाडली 2100 होने वाले हैं अभी, 2100 और कई कई पे आ गए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो नारा लगा था बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एक ही तो सेफ है, क्या लगता है इस बारे में? हिंदू क्या, हिंदू एक ही तो सेफ है, ये नारा बहुत चला इस बार इलेक्शन में? ऐसा नहीं है, हिंदू हिंदू ही रहेगा, ऐसा कुछ वो भी एक है। हाँ, एक है तो सेफ है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? भारत पूरा भारत ही एक है, इसमें हाँ। क्या है, पूरा भारत ही एक है, वो नारे में कोई मतलब नहीं है, लोग तो कह रहे हैं उस नारे से जीत के आई बीजेपी। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कामों की वजह से जीत के आई है, और कुछ कामों की वजह से जीत के आई। अभी सीएम एकनाथ शिंदे भी अच्छे और फडणवीस भी अच्छे, लोग कह रहे हैं शिंदे जी के कार्यकाल में काम बहुत बढ़िया हुआ है, हुए ना हुए, तो इनके भी इसमें अच्छे ही होंगे, क्योंकि साथ ही कर रहे हैं ना वो। तो अगर आपको क्या लगता है, 2-2 साल अगर ये लोग सीएम बनते हैं, 1-1 साल 2-2 साल, अच्छी बात है, तो भी अच्छा है, अच्छी बात है, सब डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, बस डेवलप चाहिए लोग, और हो रहा है। तो देखा आप लोगों ने, लोगों का कहना यही है नागपुर की जनता का स्पेशली कि हमें सीएम हमारे फडणवीस ही चाहिए, और अभी देखते हैं आज नहीं तो कल हमें पता चल ही जाएगा कि सीएम का नया चेहरा कौन होगा, और 29 तारीख के आसपास शपथ विधि का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं वीकेवी न्यूज़ के माध्यम से। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं शेज भूसारी।